बिहार के अंदर जो महागठबंधन का स्वरूप है उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष या उनके जो विपक्षी दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो यकीनन सोच समझ कर बयान दिया होगा और कोई भी फैसला नीतीश जी की अगर वापसी होगी तो तमाम जो महागठबंधन के जितने दल है उनको विश्वास में लेकर ही किया जा सकता है। हमारी कोई अभी हमने हमारा यही नहीं, इसलिए कि लोगों का लोग उनके उनकी वापसी पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक विश्वसनीयता वो खो चुके हैं। राजनीतिक विश्वसनीयता नीतीश कुमार जी खो चुके हैं और जिस प्रकार से उन्होंने गठबंधन से बाहर निकलकर और एक दूसरे गठबंधन के अंदर शामिल हुए तो उससे देश प्रदेश की जनता में जो उनकी एक छवि थी वो काफी हद तक धूमिल हुई। मैं पिछले दिनों लालू जी से भी मिलने गया था जब वो इलाज के लिए एम्स में थे तो उन्होंने भी मुझे उससे पूछा, इसकी जानकारी दी कि ये विशेष राज्य के दर्जा को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से क्या कार्यक्रम चल रहा है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे वो सरकारी पक्ष हो, सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, सबों को इस बात का एहसास हुआ है कि बिहार के साथ अन्याय हुआ है और जो बहुत पहले बिहार को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं दिया गया। अभी तक 18-19 साल हो गए बिहार और झारखंड को बने हुए, लेकिन इस दौरान कोई भी मैं विशेष राज्य का दर्जा तो दूर की बात है, विशेष आर्थिक पैकेज भी हम लोगों को नहीं मिली। पहले तो था कि यूपीए की सरकार थी उस पर बहुत तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज स्थिति, राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है। केंद्र में और राज्य में एक पार्टी और एक गठबंधन की सरकार है, वैसी परिस्थिति में भी अगर बिहार को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। तो इसलिए आज हम लोग जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने यह फैसला किया है कि इस आंदोलन को और तीव्र गति देने के लिए अलग अलग स्तर पर जनसंपर्क किया जाए, जन चेतना किया जाए और उसके साथ साथ दिल्ली में, क्योंकि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले दिनों में, अब इसकी तिथि हम लोगों ने निश्चित नहीं किया है लेकिन संभवतः अगस्त के महीने में, अगस्त के अंत में हम लोग दिल्ली में भी एक विशाल धरने का आयोजन करेंगे और केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। हमें ताज्जुब होता है कि वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनको संविधान का कोई ज्ञान नहीं, और जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण होना चाहिए, उनको पहले संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में यह स्पष्ट है कि जो चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या लिंग्विस्टिक हो, उनको वो अधिकार दिया गया है कि वो अपनी संस्था बना सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, कॉलेज स्कूल बना सकते हैं और उसमें किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता। और ये भी शायद उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही यहां अल्पसंख्यक नहीं, हिंदू भी बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में, मेघालय में कई ऐसे राज्य हैं। उसी तरह लिंग्विस्टिक, जिसको हमने कहा कि अल्पसंख्यक तो हर जगह है, हिंदी भाषी जो है वो तमिलनाडु में वो लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यक, आंध्रा में, कर्नाटक में, उसी तरह से जो वहां के लोग हैं वो जब ये अगर यहां कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, बिहार के अंदर खोलना चाहते हैं, तेलुगु के या तमिल स्कूल खोलना चाहते हैं तो वो लिंग्विस्टिक
अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब जो योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर और समाज को बांटने का काम करना, समाज के अंदर नफरत और घृणा पैदा करने का काम, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जमीन उनके नीचे से खसक रही है, जो उपचुनाव हुए उसके परिणाम सामने हैं, तो अब वो चाहते हैं कि इसी तरह से एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरी धर्म से लड़ाया जाए। एक बार फिर उस तरह का माहौल जो बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसी की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि उसकी क्या उपलब्धि है और क्या आगे उसको किस प्रकार से इस कार्यक्रम को हमको लेकर चलना है। अब ये तो नहीं दावा करते कि हमारी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है इसमें, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस पहल से बिहार के अंदर एक बार फिर तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात को स्वीकारा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस बीच हमको कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी का भी पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना मैंने पहले भी पत्र के द्वारा दी है आप लोगों को, और उन्होंने इस बात को सराहा है कि बिहार के पिछड़ापन को, बिहार की गरीबी दूर करने के लिए अगर कोई भी कदम उठाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया। मैं पिछले दिनों लालू जी से भी मिलने गया था, जब वो इलाज के लिए एम्स में थे, तो उन्होंने भी मुझे उससे पूछा, इसकी जानकारी ली कि ये विशेष राज्य के दर्जा को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर।